स्काउट सुन, सारी चीजें भाड़ में जाए, हमें बनानी है लेगेसी। अगर यहाँ मर जाएंगे ना बेटा, सारी लेगेसी खत्म है, कुछ नहीं करेगा, स्ट्रीमर बन के रह जाएगा, रहना तेरे को। टीम सर, गाइस BGMI स्टार स्पोर्ट्स आने वाला है। गाइस गाइस गाइस, यू आर गोना प्ले BGMI ऑन स्टार स्पोर्ट्स नाउ। लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर्स नो वे एनीवन बीट्स हिम, योर फोर्टनाइट वर्ल्ड चैंपियन। '19 के फोर्टनाइट वर्ल्ड कप के विनर का नाम था बूगा, जो सिर्फ एक 16 साल के बच्चे थे, और बूगा को $3 million प्राइज मनी दी गई थी। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, ये होता है 24 crore rupees। सो दिस प्रूव्स हाउ सीरियस इज ई स्पोर्ट्स एंड वीडियो गेम। कंपेटिटिव वीडियो गेमिंग हैज बिकम अ multi-million-dollar इंडस्ट्री, बट एज एरल बार्नेट लर्न्ड, एम्बार्किंग ऑन एन ई-स्पोर्ट्स करियर कम्स विद प्लेंटी ऑफ रिस्क्स। इट्स बीन अ बिग ईयर फॉर ई-स्पोर्ट्स, यस, विद चैंपियनशिप्स फॉर टाइटल्स लाइक फोर्टनाइट एंड डोटा एमिसिंग रिकॉर्ड प्राइस पूल्स एज द इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। दिस इज अ बिगर न्यू इंडस्ट्री देन मैरिजुआना। एब्सोल्युटली। गेमिंग इंडस्ट्री 2022 में $180 billion की इंडस्ट्री बन चुकी है, एंड दिस इज बिगर देन फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री एंड सम ऑफ द अदर बिग इंडस्ट्री कंबाइंड। सो ये तो ई स्पोर्ट्स या फिर वीडियो गेम का प्रेजेंट है जो हमें अभी देखने को मिल रहा है। अगर हम वीडियो गेम की फ्यूचर की बात करें तो वीडियो गेम का जो फ्यूचर है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम लोगों ने हॉलीवुड मूवीज जैसे फ्री गाय या फिर रेडी प्लेयर वन देखा होगा। सो जैसे इसमें नॉर्मल गेम्स नहीं होते, हम गेम को फील कर सकते हैं, गेम के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं और गेम्स को रियलिटी के जैसे जी सकते हैं। और अगर मैं बोलूं जैसे गेम्स हमें इन मूवीज में देखने को मिले, वैसे गेम्स हम अपने रियल लाइफ में भी खेल सकते हैं, और ये पॉसिबल होने में ज्यादा टाइम नहीं है। सो फेसबुक ने रिसेंटली मेटावर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, और अब बोल सकते हैं मेटावर्स इज काइंड ऑफ ए सिमिलर थिंग और द स्टार्ट जो हम लोगों ने गेम्स जैसे कि फ्री गाय और रेडी प्लेयर वन में देख रखे हैं। There's parts of your physical home recreated virtually. It has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. कैसे इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी की ग्रोथ हो रही है, इंडियन गेमर्स मिलियन में पैसे कमा रहे हैं, गेमिंग इंडस्ट्री और हिप हॉप म्यूजिक या फिर रैपर्स कैसे एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं उनके ग्रोथ पे। ओके, सो इस वीडियो में हम गेमिंग इंडस्ट्री और इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर, तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। सीधे थर्ड गियर से उठा देते गाड़ी, हमें दिल्ली के लौंडे सीधे मुंह पे है गाली बेटे, क्रीम लौंडे फक देते नहीं फकरों को, सेक देते कभी टेक देते नहीं घुटनों को। गाने का नाम है दिल्ली और आर्टिस्ट है सीवाई व्यास, और ये वही वायरल आर्टिस्ट है जिन्होंने पॉपुलर ट्रैक्स जैसे हाँ हो गई गलती मुझसे और सानू एक पल चैन ना आए गा रखा है, और ये दोनों ट्रैक्स जो है ऑलरेडी 100 million व्यूज तक क्रॉस कर गई है, और तुम लोगों ने ऑलरेडी ये ट्रैक सुन रखा होगा, टिकटॉक और रील्स पे बहुत ज्यादा वायरल है। और भाई के साइड से हमें ये जो ट्रैक देखने को मिला है, ये उनके बाकी ट्रैक से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और काम बहुत सही है, ट्रैक बहुत बढ़िया है। सो मैंने इस गाने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना, और भाई के गाने में कमेंट ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, भाई कुछ नया ट्राई कर रहे, डिफरेंट ट्राई कर रहे, और इनके पुराने गाने तो भाई क्या ही है, ठीक है, हम सब ने सुन रखा है, हम सब ने लूप पे सुना है, अभी भी सुनते आ रहे हैं, ठीक है। सो जाओ भाई के नए काम को, नए गाने को भी उतना ही प्यार दो जितना तुम लोगों ने पुराने गाने को दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ भाई को सपोर्ट कर। हम इंडियंस को गेम खेलना बहुत ही पसंद है। मुझे याद है मैं बचपन में मारियो खेला करता था,
सुपर कॉन्ट्रा खेला करता था, और उसके बाद जब मेरे घर पे कंप्यूटर आया तो मैं IGI खेलता था, GTA खेलता था, और अब टाइम उतना ज्यादा नहीं है तो मैं फोन पे ही गेम्स जैसे कि PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी, एपेक्स लेजेंड खेला करता हूँ। पर एक चीज है, हमारी इंडियन फैमिली में जब हम छोटे हुआ करते थे तो किसी को पता नहीं था कि गेमिंग एक करियर भी बन सकता है, या फिर हमारे पेरेंट्स ने कभी भी गेमिंग को सीरियसली नहीं लिया और गेमिंग सिर्फ एक टाइम पास के जैसे ही स्टार्टिंग से ही देखा जाता है। पर इंडिया में जब से मोबाइल गेमिंग इंट्रोड्यूस हुआ, हमें बड़े स्ट्रीमर्स जैसे कि मॉर्टल, स्काउट, कैरी मेनाटी, जॉनथन, टोटल गेमिंग जैसे स्ट्रीमर्स और यूट्यूबर्स देखने को मिले, और इसकी वजह से पहली चीज तो ये गेम्स पॉपुलर हुए एंड इवन इंडिया में ई स्पोर्ट्स का कल्चर भी बिल्ड होने लगा। हमारी इंडियन गवर्नमेंट तक ने इवन ई स्पोर्ट्स को अब सीरियस ले लिया है और हमें वहां से भी सपोर्ट मिल रहा है। और मैं ये भी स्पष्ट देख रहा हूं कि डिजिटल गेमिंग के लिए जरूरी कंटेंट और कॉम्पिटेंस हमारे यहां भरपूर है। हम टॉय के थॉन में भी हम भारत की इस ताकत को साफ देख सकते हैं। वो अलग बात है कि वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई गेम बैन करते रहते हैं। इंडियन गेमर्स जो है वो ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब रेवेन्यू के थ्रू, उन्हें अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप मिल रही है एंड इवन दे आर गेटिंग वेरी गुड विनिंग प्राइज फ्रॉम ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स। एंड अकॉर्डिंग टू सम आर्टिकल्स, इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो 2025 तक $3.9 billion तक की इंडस्ट्री बन सकती है। जब से ई स्पोर्ट्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है या फिर इंडिया में हमें ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट देखने को मिल रहे हैं, इंडियन गेमर्स वीडियो गेम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो गए। हमें इंडियन गेमर्स के साइड से प्रॉपर कम्युनिटी देखने को मिल रही है, गेमिंग हाउस जहाँ पे गेमर्स अपना 24 घंटा स्पेंड करते हैं प्रैक्टिसिंग, ग्राइंडिंग एंड इम्प्रूविंग देयर स्किल्स। इस बार हमने कोशिश करी है कि हम कोई कमी ना छोड़े। हर क्रिएटर को इस बार हमने एक एक्सक्लूसिव कैबिन स्पेस दिया है, वो ऑलमोस्ट 100 स्क्वायर फीट का, कुछ कुछ बड़े स्क्वायर कैबिन्स भी है डिपेंडिंग अपॉन देयर पीसी सेटअप, जिनको वो जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं एंड SATUL के कंटेंट फ्लोर में अपना एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग जोन बना सकते हैं। दिस इज द SATUL X गीगाबाइट कंटेंट फ्लोर। और कुछ सर्वेस के अकॉर्डिंग 2025 तक ये जो ई स्पोर्ट्स है इंडिया में, इनकी विनिंग प्राइस जो है ये $1.5 billion की मार्क को भी क्रॉस कर सकती है एंड दिस इज इवन बिगर देन एनी स्पोर्ट्स लीग इन इंडिया, IPL से भी ज्यादा। आई थिंक यहाँ से आगे ही बढ़ने वाला है। अब मेरे हिसाब से, मेरे को जितना लग रहा है कि लोग मोबाइल में बहुत इन्वेस्ट करेंगे, मोबाइल की और गेम्स बनाएंगे। आई थिंक अभी कॉल ऑफ ड्यूटी की भी एक नई मोबाइल गेम आ चुकी है, मैंने अभी तक खेली नहीं है, ट्राई करनी है, लेकिन बहुत लोग अब मोबाइल के पीछे भागेंगे। मुझे ऐसा चाहिए कि वर्ल्ड वाइड व्हेन समवन टेल्स कि भाई तू गेमिंग करता है तो उसके मुंह पे श्राउड के साथ स्काउट भी आना चाहिए, वो एंड गेम है एज अ गेमर। सो अगर तुम लोगों में से कोई भी गेमिंग को अपना करियर बनाना चाहता है और अगर तुम इसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। और फ्यूचर में इंडिया में ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि कोई गेमिंग इंडस्ट्री का बनना इंडिया के टॉप रिचेस्ट के लिस्ट में रैंक कर रहा हो। तो तुम लोगों ने अगर फोर्टनाइट खेला होगा तो उसमें हमें ट्रेविस स्कॉट का कैरेक्टर देखने को मिलता है और ऐसा वीडियो गेम्स बहुत बार करती है, जैसे फोर्टनाइट में हमें ट्रेविस स्कॉट देखने को मिले। और अगर कोई फ्री फायर खेलता है तो उसमें अगेन हमें एक कैरेक्टर देखने को मिलता है जिनका नाम है कैश्मीर, हु इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम इंडियन रैपर्स की बात करें तो रफ्तार ने रिसेंटली PUBG न्यू स्टेट के लिए एक ट्रैक किया था एंड इवन कर्मा और मॉर्टल का भी हमें एक ट्रैक देखने को मिला था। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें हमें बड़े सिंगर्स और रैपर्स का साथ में कोलैबोरेशन देखने को मिला है। सो म्यूजिक जो है वो कोई भी वीडियो गेम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। म्यूजिक कैन कंट्रोल द इमोशन एंड कैन एस्टैब्लिश द टोन ऑफ द स्टोरी। और जब भी कोई वीडियो गेम बनता है तो उसमें हमें एक थीम सॉन्ग देखने को मिलता है या फिर वीडियो गेम्स की स्टोरी लाइन में हमें कहीं कहीं पे गाने सुनने को मिलते हैं। इसलिए वीडियो गेम के जो डेवलपर होते हैं या फिर उनका प्रोडक्शन हाउस होता है वो रैपर या फिर सिंगर को हायर करता है। और इसके साथ साथ ये वीडियो गेम्स को प्रमोट करने में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंगर्स और रैपर्स की ऑलरेडी फैन बेस जो होती है वो बनी रहती है और जब भी कोई नया गेम लॉन्च होता है या फिर कोई गेम का नया पार्ट लॉन्च होता है तो उसकी हाइप के लिए जब उस सिंगर को उस गेम में ऐड किया जाता है तो सिंगर के फैन बेस है वो भी उस गेम में इंटरेस्ट दिखाते हैं। और ऐसा ही कुछ ट्रेविस स्कॉट के कैरेक्टर या फिर कैश्मीर के कैरेक्टर के साथ भी हुआ था। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो ऑन द गेमिंग इंडस्ट्री एंड
इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री। अगर तुम लोग को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो मैं एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आयो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को पहले से भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने भाई को सपोर्ट करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और बाकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में, हर जगह फॉलो कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव ऑल द सपोर्ट, थैंक्स अगेन।